हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा बंद की गई 156 मेडिसिन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगस्त 2024 को भारत सरकार द्वारा 156 मेडिसिन बंद की गई है। इसीलिए MBBS, MD, जनरल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट तथा मरीज, इन सभी को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन दवाओं को भारत सरकार द्वारा बंद किया गया है उनको यदि आप बेचते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं या खरीदते हैं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन बंद की गई है, इन सभी मेडिसिन को बंद करने का क्या कारण है और क्या ये सभी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होगी या नहीं, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिन दवाइयों को भारत सरकार द्वारा बंद किया गया है उनमें सामान्यतः यूज की जाने वाली दवाइयां, जैसे एंटीबायोटिक दवाइयां, दर्द निवारक दवाइयां, बुखार को ठीक करने वाली दवाइयां, बालों को लंबा करने वाली दवाइयां, स्किन से जुड़ी समस्या को ठीक करने वाली दवाइयां और साथ ही सर्दी जुकाम को ठीक करने वाली दवाइयों को भी बैन किया गया है। और जिन दवाइयों को बैन किया गया है, ये सभी दवाइयां फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवा है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब है जिसमें दो या दो से ज्यादा दवाइयां मिलाई जाती है। जैसे सर्दी जुकाम की दवाइयां जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन तथा क्लोरफेनिरामिन, इन तीनों अलग अलग दवाइयों को एक साथ कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है, इसी को ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसी तरह जो दवाइयां बैन की गई है, ये सभी दवाइयां फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवा है, ना कि सिंगल सॉल्ट की। अब बात कर लेते हैं इन सभी दवाइयों को बैन करने का क्या कारण है। इन दवाइयों की जांच करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तथा DDAB द्वारा एक कमेटी गठन की गई, जिन्होंने लंबा रिसर्च करने के बाद यह पाया है कि कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयां हैं जो मरीजों को नुकसान कर सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन की दवाइयां हैं जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को कॉम्बिनेशन की दवा से यदि रिएक्शन हो जाता है तो यह जानना मुश्किल हो जाता है कि किस दवा से इस व्यक्ति को रिएक्शन हुआ है, और उस एलर्जी को भी ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। इसका एक कारण हो सकता है कि एक ही टेबलेट के अंदर ये सभी दवाइयां मिल जाती है, उसे लेने में आसानी होती है, उसे अलग अलग दवाइयां नहीं खानी पड़ती है, इसीलिए डॉक्टर इन सभी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और मरीजों को लेने में भी आसानी होती है। लेकिन रिसर्च करने के बाद यह पाया गया है कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयां जो मरीजों को दी जा रही थी, उसका कोई थेरेप्यूटिक यूज नहीं है, इसको लेने पर मरीजों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाइयां हैं जिसे बैन किया गया है। अब बात कर लेते हैं किन किन दवाइयों को बैन किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है उसे मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, और बाकी की जो दवाइयां हैं उन्हें मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, जिसे आप एक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट में वो सभी दवाइयां हैं जो भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। पहले हम उन दवाइयों के बारे में जान लेते हैं जो डॉक्टर तथा मरीजों के द्वारा डेली यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक टेबलेट, जिसमें फ्लेक्सेट तथा ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट, मेट्रोनिडाजोल तथा टिनिडाजोल टेबलेट, दूसरी स्किन से जुड़ी दवाई जैसे एजिथ्रोमाइसिन प्लस एडाप्लेन, पोविडोन आयोडीन, मेट्रोनिडाजोल तथा एलोवेरा क्रीम, तीसरी है बालों को लंबा करने वाली दवा मिनोक्सिडिल तथा एमिनेक्सिल सॉल्यूशन, केटाकेनाजोल तथा एलोवेरा शैम्पू, चौथी है बुखार की दवा जिसमें मेफेनामिक प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन, एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल टेबलेट, ये मुख्य दवा है जो ज्यादातर यूज की जाती है। और जो लिस्ट आप देख रहे हैं इनमें जो नाम लिखा हुआ है, ये सभी दवाइयां बैन की गई है। इसके अलावा कुछ दूसरे कॉम्बिनेशन की दवाइयां हैं, थोड़ा बहुत अलग कॉम्बिनेशन है तो उन्हें बैन नहीं किया गया है। यहाँ पर इन सभी दवाइयों को अच्छे से देखें, नोट कर लें, और हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आज के बाद इन दवाइयों का यूज करना बिल्कुल बंद कर दें। इन सभी दवाइयों का प्रोडक्शन तथा सेल भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अगर आपके मेडिकल पर ये सभी दवाइयां रखी हुई है तो आप इन सभी दवाइयों को साइड में रख दें, इन्हें बेचे नहीं। अब आप सोचेंगे कि इन सभी दवाइयों को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, तो अब मरीजों का इलाज कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, जो सिंगल सोल्ट की दवा है जैसे पैरासीटामोल, लियोसिट्राजिन, सिट्राजिन,
इन सभी को अलग अलग देकर मरीजों का इलाज किया जाएगा और सिंगल सोल्ट की किसी भी मेडिसिन को बैन नहीं किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर 60 से 65 मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरे कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन है उनको भी बैन किया गया है और उन्हें भी अलग अलग दिया जाएगा। सिंगल सोल्ट की किसी भी मेडिसिन को बैन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन की जिन्हें भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।